हर महादेव आप सभी को और आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम आए हुए हैं कचौड़ी खाने के लिए। सुबह सुबह का समय हो और सुबह के 8 बजे हो और शुरुआत संडे का हो तो भाई कचौड़ी तो बनती है। और यहाँ जो कचौड़ी मिलती है ना, गर्मा गर्म बिल्कुल मस्त मिलती है। बनारसी जो हमारे होते हैं ना, खाने पीने के इतने शौकीन होते हैं, कचौड़ी की दुकान मिल जाए सुबह सुबह तो बस उन्हें और क्या ही चाहिए। तो आइए दिखाते हैं कचौड़ी कितनी बढ़िया यहाँ बनती है, एकदम गर्म गर्म मिल रही है। आइए आप सबको दिखाते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम मचौदरी से। अच्छा, कचौड़ी अच्छी लगती है यहाँ की? कचौड़ी अच्छी लगती है यहाँ की। अच्छा, कैसे देते हैं भैया? क्या जी? कितने पीस देते हैं यहाँ? 12 की 4 ठो। 12 की 4 कचौड़ी यहाँ मिलती है? 15 रुपए में 5। अच्छा जी हाँ, 15 रुपए में 5 कचौड़ी यहाँ पे मिलती है। हाँ, 20 रुपए अगर आप देती हैं तो आपका भर पेट नाश्ता हो जाएगा। 5 रुपए 5 कचौड़ी और जलेबी मिला करके। अच्छा जी हाँ। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो यहीं बनारस का रहने वाला हूँ। हाँ, आपका शुभ नाम बताइए। हरी राम जी जायसवाल। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फ्रेंड्स भीड़ लगी हुई है कचौड़ी खाने वालों की। और सुबह सुबह का समय और गरम गरम कचौड़ी मिल जाए तो दिन एकदम मस्ताना, एकदम सुहाना हो जाता है। बड़ी मज़ेदार तो मज़ेदार कचौड़ी होती है। और 12 की 4 सोचिए, 20 के 6 खाते हो आप, दिन भर का पेट भर जाने वाला है, नाश्ता पूरा हो जाने वाला है आपका। और अभी हम जहाँ खड़े हैं ये है प्रहलाद घाट। और कचौड़ी की दुकान का टाइमिंग सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक सारी दुकान इनकी बंद हो जाती है। इतना ज़्यादा अच्छा बेचते हैं कि 12 बजते ये दुकान इनकी बंद हो जाती है। तो जल्दी आपको आना होगा कचौड़ी अगर खानी है तो, एकदम सुबह सुबह ही आना पड़ेगा। आइए दिखाए तो छन कहाँ रही कचौड़ी। टाइमिंग क्या होती है कचौड़ी की? सुबह 7 से जो 11 बजे तक, 7 से 11। अच्छा, और कैसे आप देते हो? 3 रुपए पीस देते हैं, 100 रुपए किलो जलेबी। अच्छा जी, जलेबी 100 रुपए किलो जी। काफ़ी अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है। नगरी का सुबह बनारस है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ भीड़ लगी हुई है। और जलेबी या कचौड़ी भाई सुबह सुबह मिल जाए तो हमें और क्या ही चाहिए। एक गर्मा गर्म कचौड़ियाँ छन नहीं है, एकदम गर्म गर्म तेल खोलता हुआ और गर्मा गर्म सब्जी पूरी, जाड़े का ठंड हो बस रजाई से बाहर निकलने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। मन होता है बस दुबके रहो रजाई के अंदर और गर्मा गर्म सब्जी पूरी हमें मिल जाए तो खड़े रहेंगे। अरे जब तक मिलेगा नहीं तब तक खड़े रहेंगे, कम से कम 15-20 मिनट तो लगेगा ही। इंतजार करेंगे आप? करेंगे, यहाँ का टेस्ट ही अच्छा होता है। के लिए अच्छे खाने के लिए इंतजार करना जरूरी है। अच्छा जी, अच्छा अगर कुछ खाना है तो इंतजार करना जरूरी है, ये चीज है। आप चले जाइए रथ यात्रा पे, एक डोसा बेचता है, इडली बेचता है, उसका ठेले पे लगाता है इस तरफ, इतनी भीड़ होती है पूछिए मत। हैं, इतनी भीड़ कार से लोग आते हैं वहाँ रुके, लोग वेट करते हैं आधा घंटा एक घंटा वेट करते हैं लोग खाने के लिए। बनारस में आपको जलेबी कचौड़ी हर घर मतलब हर सड़क पे थोड़ी थोड़ी दूर पे ही मिलते रहेंगे। यहाँ के ये सुबह का फेवरेट बात होनी चाहिए कि कचौड़ी जलेबी से ही, बाद में खाना पीना बनता रहेगा। हाँ नहीं, सही बात है भैया। आप कहाँ से आए हुए हो? हम तो बनारस के ही लोकल ही हैं और यहीं के ही हैं। हम लोग लोकल है, लोकल है, यहीं के हैं। उतनी अच्छी है या नहीं है? यहाँ पे आप पास से जाओ, यहाँ पे आप मीठी भरी हुई है जबरदस्त तरीके से और गजब ही स्वाद है कचौड़ी का। बस सुबह बस कचौड़ी मिल जाए, गेंदा की छुट्टी होती है, इतना बढ़िया लगता है।
के। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड भी करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।